Hello everyone, in this video I am going to cover Math S prime class 6 chapter number 2 exercise 2.1. If you think that that video is helpful for you, please hit the like button and also subscribe to my channel. And if you have any query regarding that video, so you can comment below. And there is also one telegram channel. मैथ इज प्राइम क्लास सिक्स ऑन द टेलीग्राम सो इफ यू हैव एनी काफ़ डाउट्स यू कैन विजिटिटिटिट देयर एंड यू कैन सिम्पली आस्ट द क्यूरीज आई एम हियर टू हेल्प यू ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओके क्वेश्चन नंबर वन यूज द ब्रैकेट्स टू राइड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स क्या करना है आपको देखिए आपको क्या करना है जो ब्रैकेट्स को यूज़ करना है क्या किसको किसके लिए मैथमेटिकल कंडीशंस को एक्सप्रेशंस को चेंज करने के लिए जैसे आपका ये इसमें कि, किस में लिखा है आ, इसमें यहाँ पे आपका जैसे ए नंबर क्वेश्चन आप देख लो सेवन इज़ डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ ट्वेल्व एंड फाइव तो इसको आपको क्या करना है नंबर्स में राइट करना है यहाँ पे आपको जैसे नंबर्स में रिटर्न नहीं है ठीक है ना तो इसको आप इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं आप इसको एक बार देखोगे तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे ठीक है ना सेवन इज़ डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ ट्वेल्व एंड फाइव अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेल्व एंड फाइव का डिफरेंस निकाल के सेवन को डिवाइड कर देना पहले का हमारा आंसर आ गया ठीक है ना आपको इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिखना है सेकेंड वाले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मल्टीप्लाइड सिक्स विद द सम ऑफ नाइन एंड फोर अब देखो सिक्स को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ नाइन एंड फोर नाइन एंड फोर का सम कर लिया और सिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपको आंसर समझ पे आ रहे हैं आप एक बार इसको रीड देखोगे तो क्वेश्चंस को देखोगे इसके आंसर्स कैसे बन रहे हैं तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है क्वेश्चन नंबर आप सी देखते देख लेते हैं सब्सट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ नाइन एंड टू फ्रॉम द सम ऑफ थर्टीन एंड ट्वेल्व ठीक है इसको चेक कर लेते हैं इसको कैसे किया है देखो ट्वेल्व एंड थर्टीन को हमने प्लस किया है उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया कितना नाइन एंड टू के डिफरेंस को हमारा सी नंबर जो आंसर है ऐसे बनेगा अब डी नंबर को चेक कर लेते हैं ऐड द प्रोडक्ट ऑफ फाइव एंड टू टू द डिफरेंस ऑफ एटीन एंड फिफ्टीन अब आप देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर डी नंबर देखो तो क्या करना है फाइव मल्टीप्लाई टू है प्लस उसमें ऐड कर देना है कितने का डिफरेंस कितने का बोला था एटीन माइनस फिफ्टीन का ठीक है चलो तो ये क्वेश्चन नंबर वन हो गए क्वेश्चन नंबर वन के हमने सारे आंसर कवर किए हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप क्या करेंगे वीडियो को रिवाइंड करेंगे एक बार इसको फिर से चेक कर, चेक कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा सारी चीजें बिल्कुल से समझ में आ जाएंगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर टू का क्या है क्वेश्चन नंबर टू के देखिए क्वेश्चन आपके बुक पे लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए सल्यूशंस कर रखे हैं उसको आपको चेक करना है ठीक है देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हमको सिंपली सिंपल तरीके से क्या करना है क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है वेरीफाई करने का तरीका आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए और बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही हम इसको सॉल्व करेंगे अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड फाइव माइनस ट्वेल्व प्लस एटीन डिवाइडेड बाई नाइन ये आपका आपके नोटबुक में भी हेल्प करेगा जैसे आपको नोटबुक राइट करना है तो आपको समझ में नहीं आया मान लीजिए आपके टीचर्स ने पढ़ाया तो आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं तो आपकी इस पर हेल्प हो जाएगी ठीक है ना अब चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर्स लिखा हुआ है इसको अगर हम नाइन को डिवाइड पहले डिवाइड से सॉल्व होता है नाइन को डिवाइड किया कि इसको मैं एटीन से को डिवाइड किया नाइन से तो टू आ गया ठीक है ना आप देखो पहले डिवाइड हमने सॉल्व किया डिवाइड के बाद अब क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड फाइव को हम जैसे ही करेंगे तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये आप यहाँ पे चेक कर लो जैसे देखो ये वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ रहा है ना यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे और फिर उसके बाद माइनस बचा, बचा हुआ है माइनस बचा हुआ है ना फाइव माइनस ट्वेल्व प्लस टू ये है अब वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो हो गया अब आपको क्या कर देना है जैसे ये आपका माइनस वाला है तो माइनस वाले नंबर को इधर ला लीजिए प्लस वाले नंबर को इधर ला लीजिए वन ट्वेंटी फाइव में प्लस टू करेंगे तो वन ट्वेंटी सेवन हो जाएगा वन ट्वेंटी सेवन में माइनस ट्वेल्व कर देंगे तो वन हंड्रेड फिफ्टीन हो जाएगा जो आपका एग्जैक्ट आंसर है ओके क्वेश्चन नंबर बी को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी जो जो हमारा दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर बी है हमारा कितना है एट हंड्रेड एंड एटी वन मल्टीप्लाई टू प्लस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू मैंने इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जिसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप इसको एक बार चेक करते जाइएगा जिसलिए आपको सारा क्लियर होता जाएगा अब देखो फिर से वही बोर्ड मास करिएगा पहले डिवाइड करेंगे तो ये टू सिक्स जहाँ हो गया यहाँ पे आप देखो ये सिक्स हो गया ना ये ट्वेल्व को हटाया जब तो जब ये यहाँ पर ट्वेल्व हो सिक्स हो गया आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सिक्स दिखा रहा है आपका अब उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एट एट वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो कितना आ जाएगा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू आ जाएगा ठीक है फिर प्लस करेंगे प्लस के बाद कितना है ट्वेंटी फोर और माइनस सिक्स है तो उसको पहले ट्वेंटी फोर को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जा गया वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी सिक्स हो गया माइनस सिक्स कर देंगे तो कितना हो गया आंसर हमारा कितना आ गया वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी आ गया ठीक है इसको आपको चेक कर लेना है एक बार अब चलो क्वेश्चन नंबर सी क्या है क्वेश्चन नंबर सी को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाइड थ्री प्लस सेवनटीन माइनस फाइव अब फिर से वही डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को जैसे सॉल्व करेंगे तो फाइव को सिक्सटी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे थर्टीन आ जाएगा थर्टीन मल्टीप्लाइड थ्री प्लस सेवनटीन माइनस फाइव अब आपको क्या कर देना है जैसे थर्टीन मल्टीप्लाइड थ्री है तो अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो थर्टीन मल्टीप्लाइड थ्री थर्टी नाइन हो गया थर्टी नाइन प्लस सेवनटीन माइनस फाइव हो गया अब सेवनटीन ऐड हो जाएगा उसमें फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स माइनस फाइव हो जाएगा फिफ्टी वन हमारा एक्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन कौन सा था क्वेश्चन नंबर सी इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं तो क्लास थोड़ा सा जल्दी करेंगे जिसलिए आपको थोड़ा आप कर भी पाओ और इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे ठीक है अब देखिए वन ट्वेंटी फोर थर्टीन प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर है फिर से वही हम पहले डिवाइड करेंगे तो देखो सिक्सटीन को फोर से डिवाइड किया तो फोर आ गया ठीक है फिर उसके बाद वन ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड थर्टीन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड थर्टीन का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व आ जाएगा प्लस का फोर है तो ऐड कर देंगे तो सिक्सटीन हो जाएगा वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर डी को देख लीजिए डी के बाद डी हो गया ना ये डी ही तो था हाँ ई e नंबर कर लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखिएगा इसको जरा इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट्स वगैरह है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है ऑफ सॉल्व होता है आपको ये तो पता ही है ठीक है ना तो ऑफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे गिवन है आप इसको देख लेना अब जैसे देखो एटीन प्लस टेन माइनस सेवन मल्टीप्लाइड थर्टी टू अपॉन वन अपन थ्री ऑफ ट्वेंटी फोर ठीक है आप पहले ऑफ सॉल्व कर लो अब देखो यहाँ पे ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर को वन पॉइंट थ्री करेंगे तो थ्री से कट जाएगा क्योंकि अपॉन में है ब्रैकेट वाला पहले आप देखिएगा ठीक है ना तो वन अपन थ्री मल्टीप्लाइट ट्वेंटी फोर है तो थ्री एट जहाँ हो जाएगा तो ब्रैकेट हट गया अब फिर उसके बाद डिवाइड होगा आप थर्टी टू को डिवाइड करेंगे किससे एट से तो हमारा फोर आ जाएगा अब फोर्थ स्टेप पे आप यहाँ पे देखिए ना हाँ जैसे फोर्थ स्टेप पे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले फिर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा सेवन मल्टी सेवन मल्टीप्लाइट कितना हो गया सेवन मल्टीप्लाइट हमारा फोर हो गया जैसे सेवन हमारा मल्टीप्लाइट फोर में हो जाता है तो आपको ये चेक करना है कि सेवन मल्टीप्लाइट जैसे ही फोर हुआ तो आप देखो यहाँ पे यहाँ पे आ गया ट्वेंटी एट अब क्या है एटीन और

फिर वन जीरो एट के बाद आप देखो ये मल्टीप्लीकेशन इधर थर्टी टू वाला है थर्टी टू वाला है थर्टी टू मल्टीप्लाई टू तो ये भी देखो यहाँ पे सिक्सटी फोर हो गया और ये देखो ट्वेल्व uh, यहाँ पे ट्वेल्व uh, तो हो गया माइनस का सिक्सटीन है तो पहले प्लस कर लेंगे वन जीरो एट ये देखिए वन जीरो एट और प्लस सिक्सटी फोर को दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया वन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू हो गया यहाँ पे ब्लिंक मैं करा रहा हूँ और अब वन हंड्रेड सेवेंटी माइनस सिक्सटीन कर देंगे वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आ जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर जी को देख लेते हैं जी नंबर क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप फोर्टी टू डिडेड बाई सेवन है आपका फोर्टी टू डिडेड बाई सेवन मल्टीप्लाइड थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स ऑफ फिफ्टी फोर मल्टीप्लाइड फाइव फिर से ऑफ को सॉल्व करेंगे वन अपॉइंट सिक्स आपको मल्टीप्लाइड फिफ्टी फोर करेंगे तो पहले सिक्स को फिफ्टी फोर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ हमारा नाइन ना आ जाएगा ये देखिए ऑफ वाला वैल्यू यह यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है आप उसको देखिएगा ठीक है तो ये ऑफ वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे सिक्स को नाइन फिफ्टी फोर से अगर डिवाइड करते तो नाइन ना आ जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमको डिवाइड करना पड़ेगा फोर्टी टू ये यह फोर्टी टू यहाँ पे है ना जो फोर्टी टू को डिवाइड करेंगे किससे सेवन से जैसे फोर्टी टू को हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिक्स अब उसके बाद जितने भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में उसको मल्टीप्ली मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है और मल्टीप्लाई जैसे ही हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे सिक्स मल्टीप्लाई थ्री कर देंगे देखिए सिक्स मल्टीप्लाइड थ्री कर देंगे और प्लस में है तो नाइन मल्टीप्लाइड और नाइन मल्टीप्लाइड फाइव तो दोनों को पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड थ्री हो जाएगा एटीन ये देखिए यहाँ पे और ये कितना हो गया फोर्टी फाइव एटीन और फोर्टी फाइव को ऐड कर दिया तो हमारा सिक्सटी थ्री आ गया क्वेश्चन नंबर एच पे आ जाते हैं एच वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि वो ब्रैकेट स्टेप बाई स्टेप उसके सॉल्व होंगे ठीक है ना एच में क्या है देखो फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी ब्रैकेट ब्रेकेट मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको यहाँ देख लेना है फिर आपका ये देखो ये नाइनटीन है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे अंदर वाले को सॉल्व करेंगे ठीक है ना अब देखो कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखो फोटीन है फोर्टीन को आप पहले देखो फोर्टीन और ये माइनस कितना माइनस एट है माइनस फोर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा अब फोर्टीन माइनस आप बता दो मुझे ट्वेल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फोर्टीन माइनस ट्वेल्व करेंगे तो हमारा टू आ जाएगा अब देखो टू कहां पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टू ठीक है अब नाइनटीन माइनस टू करेंगे नाइनटीन जितने ब्रैकेट हैं वो सॉल्व होते जाएंगे नाइनटीन माइनस टू करेंगे तो ये देखिए यहां पर सेवनटीन आ गया ये सेवनटीन हुआ है आपका देखो सेवेंटीन माइनस ट्वेंटी करेंगे तो यहां पे कितना आ गया थ्री आ गया जब थ्री आ गया यहां पे फोर्टी टू माइनस थ्री करेंगे तो थर्टी नाइन आ जाएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है इसको आप देख लीजिएगा ठीक है ना इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं नाइन हंड्रेड एंड टेन माइनस एटी सेम क्वेश्चन है आपको बस इसमें थोड़ा सा जैसे आपने उसमें छोटे नंबर्स थे इसमें आपके बड़े नंबर है अब देखो सेवेंटी सेवन में मैंने फिफ्टी को माइनस किया तो ये यह देखो तो यहाँ पर ट्वेंटी सेवन आ गया ठीक है अब ट्वेंटी थर्टी फोर जो हमारा नंबर है हमारा थर्टी फोर में मैंने ट्वेंटी सेवन को माइनस किया थर्टी फोर में जैसे ट्वेंटी सेवन को मैं माइनस करता हूँ तो हमारा इस प्लस का सेवन आएगा कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा ये आप देख लो यहाँ पे मैं ब्लिंक देखिए थर्टी फोर में मैंने ट्वेंटी सेवन को माइनस किया तो ये देखो यहाँ पे प्लस का सेवन आया हुआ है ना आप देखो प्लस का सेवन दिख रहा है आपको अब ये जो नंबर्स था एट्टी एट्टी में क्या हो गया प्लस सेवन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एट्टी सेवन ये देखो यहाँ पे एट्टी सेवन आ गया है और नाइन हंड्रेड टेन में जब एट्टी सेवन में माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जे को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जे क्या बोल रहा है फिफ्टी फोर प्लस नाइन अब इसमें फिर से जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं वो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है आपको ये बात तो पता ही है फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस टू ठीक है और डिवाइडेड बाई थ्री तो ये पहले ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये कैसे होगा आप इसको ध्यान देखो फिफ्टी फोर प्लस नाइन फिफ्टी फोर प्लस नाइन है ना और ये देखो फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री अब देखो यहाँ पे अब हमारा ये वाला देखो आप फोर्टी थ्री में यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स और माइनस टू जो है ट्वेंटी सिक्स माइनस टू दोनों ऐड हो गए तो ट्वेंटी एट आ गया अब ट्वेंटी एट में जो ये हमारा दिख रहा है तो फोर्टी थ्री में ट्वेंटी एट माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आप ध्यान से देखो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है ना लेकिन फिफ्टीन जो आया है पहले सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे ठीक है ना फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री किया तो हमारा ये यह देखो यहाँ पे फाइव आ गया अब जो फाइव को नाइन से फाइव नाइन और फाइव को मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा कितना फोर्टी फाइव गया फिफ्टी फोर और प्लस फोर्टी फाइव को ऐड कर दिया तो हमारा नाइनटी नाइन आ गया आप क्वेश्चन नंबर के करेंगे ठीक है एक बार इसको आप चेक कर लेना आपको कोई डाउट समझ में आ जाता है वीडियो को रिवाइन करके आप एक बार देख लोगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है अब देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट वाला फिर वही आ गया हमारे पास ठीक है चली क्लास अब क्वेश्चन नंबर के देख लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर के पे देखो जो सबसे स्मॉल वाला ब्रैकेट फिर उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा बिग ब्रैकेट सॉल्व होता है आपको ही तो पता है तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो अब बार बार क्वेश्चन रीड मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है आपको पता है तो एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन जहाँ पे मैं फिंगर ये टच कर रहा हूँ आप यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पहले देखो सिक्सटीन जो है ये सिक्सटीन दिख रहा है सिक्सटीन को एड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो टू आ चुका है देखो और फिर उसके बाद क्या उसके बाद माइनस करेंगे जो भी है मतलब आप देखो माइनस के यहां पे जीरो ही हो 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 जाएगा जाएगा देखो 13 प्लस टू हो गया, तो कितना हो गया हमारा थर्टीन प्लस टू हमारा कितना हो गया फिफ्टी हो गया फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन देखो यहां पे देख रहे हो ये जीरो हो गया तो जीरो यहां पे हमने माइनस पे लिख रखा है अब देखो अगला स्टेप यहां जो कौन सा है ट्वेंटी टू है देखो ये ट्वेंटी टू है ना आपका और प्लस कितना है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री है ट्वेंटी टू और प्लस कितना है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री है ट्वेंटी टू और प्लस थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री जो आपका ये गिवन है इसमें जीरो को माइनस करना है तो ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव हो जाएगा थ्री हंड्रेड एंड फाइव जैसे हो जाएगा तो फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव प्लस थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव को ऐड कर देंगे तो नाइन ट्वेंटी हमारा आंसर हो जाएगा चलिए आई नंबर क्वेश्चन को चेक कर हैं आई नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आई नंबर क्वेश्चन को आपको देखना है आई नंबर क्वेश्चन फिर से वही है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ठीक है ना इधर ऑफ वाले ब्रैकेट में दिया थ्री 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 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो थ्री और थ्री का देखो यहाँ पे मट्टीप्लीकेशन हो गया तो थ्री और थ्री का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो नाइन आ गया अब थर्टी नाइन प्लस नाइन हो गया तो कितना हो गया थर्टी नाइन प्लस नाइन फोर्टी एट हो गया ये यह देखो यहाँ पे अभी तो हम लोग इसी बस को सॉल्व करें फोर्टी एट में फोर्टी माइनस हो गया तो कितना हो गया फोर्टी एट में जब फोर्टी माइनस हो गया तो एट आ गया अब देखो सिक्सटीन है यहाँ पे सिक्सटीन अगले वाले स्टेप में सिक्सटी है सिक्सटी को एट से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा टू आ जाएगा अब ट्वेंटी टू में टू को माइनस करोगे तो उसके सामने माइनस है तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा अब लास्ट में कितना था नाइन्टी वन नाइन्टी वन आप ट्वेंटी माइनस करोगे तो आपका सेवेंटी वन आ जाएगा आपका एक्जैक्ट आंसर आ गया आपके सामने आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है आप कर पाओगे कोई डिफिकल्ट नहीं है बस आपको ब्रैकेट से स्टार्ट करना है ठीक है चलो एम नंबर वाला फिर से वही है पहले स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व करो तो देखो सबसे पहले आप इसको किसको सॉल्व करोगे ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ठीक है ना तो ये सिक्स को पहले थ्री से डिवाइड करोगे ना सिक्स को थ्री से डिवाइड करोगे तो डिवाइड पहले होता है तो थ्री टू जहाँ कितना हो गया सिक्स हो गया टू हो गया अब देखो फाइव माइनस टू है फाइव माइनस टू आप करोगे तो कितना हो जाएगा फाइव माइनस टू करोगे तो आपका कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा देखो यहाँ पे माइनस थ्री लिखा हुआ है ये है माइनस थ्री ठीक है ना अब इसको फिर से इसके अंदर डिवाइड है सेकेंड वाले ब्रैकेट में तो पहले डिवाइड आप सॉल्व करिए तो डिवाइड कितना हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई थ्री तो यहाँ पे वन आ गया और थ्री डूजा सिक्स हो जाता है तो ये यह देखो यहाँ पे टू माइनस वन आ रहा है देखो आ रहा है ना टू माइनस वन अ टू माइनस वन किस में होना चाहिए टू माइनस वन करोगे तो वन आ जाएगा वन आएगा ना आपका जब वन आएगा तो आप ट्वेंटी नाइन में उसको माइनस करोगे ट्वेंटी नाइन में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट ये देखो ट्वेंटी एट आ गया अब ट्वेंटी एट और प्लस वाले नंबर्स नम्ण, को ऐड कर दोगे ट्वेंटी सेवन और प्लस थ्री ये देखो ऐड हो गया तो यहाँ पे आ गया थर्टी और थर्टी माइनस ट्वेंटी एट तो आपका आंसर आ गया टू सही है ना आपको समझ पे आ रहा है और कोई भी डाउट होगा आप टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट में मुझे बताना हम जरूर उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे एन नंबर आप देख लो एन नंबर क्या है ट्वेल्व प्लस थ्री है ये ट्वेल्व प्लस थ्री आपको दिख रहा है ये दोनों ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट देखो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाला नंबर देखो पहले मल्टीप्लाई कर लो ये देखो फाइव टू जै टेन होता है टेन सिक्सटीन माइनस टेन हो गया इधर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें थ्री टू जै सिक्स होता है ये देखो सिक्स लिखा हुआ है और प्लस का ट्वेल्व है ये आपको ट्वेल्व पहले से ट्वेल्व प्लस सिक्स और सिक्सटीन माइनस टेन तो ट्वेल्व प्लस सिक्स हो गया एटीन सिक्सटीन माइनस टेन हो गया सिक्स दोनों को कर दिया बिडिल में ये देखो साइन था माइनस का तो दोनों को कर दिया माइनस तो कितना आ गया ट्वेल्व आ गया ठीक है अब ओ नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ चलो ओ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेम वही क्वेश्चन है पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो फिर उसके बाद इस मीडियम वाला ब्रैकेट सबसे लार्ज ब्रैकेट ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो आपको क्या करना है देखो सबसे पहले क्या है आप ऐड कर लो सेवन और टू ये नंबर की भी नहीं सेवन एट टू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये देखो यहाँ पे नाइन आ गया सेवन टू आ गया ना नाइन सेवन टू हमारा कितना आ गया नाइन आ गया ध्यान आपको देना है और नाइन माइनस वन तो यहाँ पे रिटर्न ही है नाइन माइनस वन ये देखो आप तो जो नाइन माइनस वन यहाँ पे रिटर्न है तो आप देखो नाइन माइनस वन यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइन माइनस वन एट हो गया एट कहाँ पे लिख दिया ये यह देखो यहाँ पे एट लिख दिया ठीक है ना जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ध्यान देना है आपको अब जब एट यहाँ पे लिख दिया तो अब क्या हो गया थर्टीन प्लस टू थर्टीन प्लस टू तो पहले एट बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के नंबर है पहले तो टू मल्टीप्लाइड एट हो गए देखो तो यहाँ पे सिक्सटीन आ गया आ गया ना सिक्सटीन यहाँ पे देखो अब थर्टीन प्लस सिक्सटीन कितना हो गया ट्वेंटी नाइन और वही माइनस का क्योंकि सामने उसके माइनस लगा हुआ है अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे ट्वेल्व नाइन जो कितना होता है देखो वन जीरो एट अब वन जीरो एट में ट्वेंटी नाइन माइनस कर दे तो कितना आ गया सेवेंटी नाइन यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है ठीक है ठीके? समझ में आया आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं पी नंबर क्वेश्चन इसमें कई सारे क्वेश्चन है क्या एक बार मैं चेक चलिए आपको समझाते ही देता हूं चेक तो फिर में बाद में भी कर लूंगा अब देखो यहां पर सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट है जो है ना ब्रैकेट ये वाला इसको रिमूव कर देता हूँ फिर आपको बता दी ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना आप इसको ध्यान से देखो तो ये वाला पहले 15 माइनस आप क्या करोगे 15 माइनस फाइव करोगे ये देखो तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया आ गया ना टेन फिर जो हमारा ये टेन आ गया तो टेन अभी ये देखो फिफ्टी है यहाँ पे फिफ्टी पे माइनस हो जाएगा कितना हमारा टेन माइनस हो जाएगा जब फिफ्टी में टेन माइनस हो जाएगा तो देखो फोर्टी यहाँ पे लिखा हुआ फोर्टी आ गया ना अब फोर्टी में किसको डिवाइड कर देना है वन ट्वेंटी से फोर्टी को डिवाइड कर दे क्योंकि यहाँ डिवाइड का डायग्राम है तो वन ट्वेंटी किससे डिवाइड हो गया फोर्टी से डिवाइड हो गया हो गया ना तो यहाँ पर हमारा देखो थ्री आ गया आ गया यहाँ पर थ्री जब हमारा यहाँ पे थ्री आ, आ गया आप देखो और थ्री फिर से यहाँ पे डिवाइड है तो थ्री किससे डिवाइड होगा थ्री थ्री से डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा नाइन्टी वन या नाइन्टी हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर क्यू भी है क्लास इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन नंबर क्यू भी आप देख लो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद भी जो भी कुछ होगा तो सॉल्व करेंगे ठीक है ना तो थ्री प्लस फाइव कितना हो गया ये देखो यहाँ पे हमारा एट आ रहा है देखा ना आपने पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व किया तो एट माइनस वन आ रहा है ना आपका एट माइनस वन इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे सेवन आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो आप ठीक है अब जब सेवन आ गया हमारा यहाँ पे तो ये जितने भी नंबर्स हैं आपस में ये वाला ब्रैकेट लगा तो अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो थर्टी फाइव तो ये कितना है पहले डिवाइड आ रहा है ना सेवन सेवन ये डिवाइड आ रहा है पहले डिवाइड सॉल्व हो गई देखो ब्लिंक कर रहा हूँ मैं जहाँ पे तो ये आपका थर्टी फाइव में सेवन से आप डिवाइड करोगे तो फाइव आ जाएगा फाइव आ जाएगा फाइव अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है देखो आप तो टू मल्टीप्लाइड फाइव हो गया टू मल्टीप्लाइड फाइव हो गया तो कितना आ गया टेन आ गया, ये देखो यहाँ पे टेन आ गया आ गया, आ गया ना टेन यहाँ पे जब टेन आ गया तो टेन ये वाला इधर आप साइड वाला सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो टेन प्लस फिफ्टीन है और माइनस टू है तो टेन प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव हो गया ट्वेंटी फाइव में हम हाँ टू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री अब नाइन प्लस ट्वेंटी थ्री को ऐड कर देंगे ये देखिए तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा थर्टी टू आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर आपके पास गिवेन है ठीक है i hope that guys uh, that video is completed now so i hope that, that that video is helpful for you and please if you think that that video is helpful please hit the like button and also subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make new videos thanks for watching guys